सो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, क्या से बढ़िया। देखो सिलेक्शन हो गया भाई, अभी अभी मान लो सिलेक्शन फाइनली पूरा नहीं हुआ, जितना बहुत तो आया था, बहुत भैया बहुत बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ऑलमोस्ट आपने 40% क्लियर कर लिया है। 100 में 40% आप उन सभी से आएंगे जो 40% में नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, 40% आपने क्लियर किया, अच्छी बात है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। एंड ऑलमोस्ट अभी आपको 60% जाना है, 40% आपका फेस सेकेंड एग्जाम होगा, 20% आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नहीं 20% नहीं, 30% आपका फेस सेकेंड एग्ज़ाम होगा, 30% आपका मतलब वो एग्ज़ाम होगा, 20% आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, एंड 10% आपका जो फाइनल आपका एनरोलमेंट आएगा उसमें कट ऑफ का होगा, ठीक है। आप देखो कट ऑफ के लेके कोई भी टेंशन मत लो, किसी के 0.5 नंबर ज़्यादा आए, 0.25 नंबर ज़्यादा आए, तो कट ऑफ थोड़ा सा चांसेस हैं कि बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। रीज़न यू नो कि भाई 3000 से 3500 वैकेंसी है अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग जो बताया गया, और आप हर एक तीसरे लड़के को टेलीग्राम पे चैट पे पूछते हो गए भाई आपका हुआ, हो गया भाई हो गया, मतलब डेटा नहीं आया कि कितने इस बार शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, कितने पास हुए हैं, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट का हुआ, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, नहीं भी नहीं होने वाले की संख्या ज़्यादा है, बट होने वालों की भी संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। तो मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ, सोच देखिए, तैयारी आपकी अच्छी है, तैयारी आप सभी की अच्छी है, तो इसके लिए आप सभी को करना क्या है, पेपर आपने निकाला है, अब फेस सेकेंड एग्ज़ाम में क्या क्या होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपन बताएंगे, लेकिन कल बताएंगे। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, जैसे कि कोस्ट गार्ड में चाहिए होते कि 4 दिन में आपको ये चीज़ बनवानी है, तो उसकी टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूँगा कि आज ही बता दो, नहीं बता पाता तो मैक्स कल आपको बता दूँगा, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, खुद का लाइक जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और उसके बाद आपका अगर आई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डोमिसाइल हो गया है, उसके बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू कम फ्रॉम SC और ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी, ठीक है, नहीं है तो बनवा लीजिए, रिन्यू करवा लीजिए, 10 दिन में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता एयरफोर्स में, कोस्ट गार्ड की तरह के बाहर कर देंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फेस सेकेंड एग्ज़ाम की बातें बता रहा हूँ, सारी की सारी GNN है, टेंशन मत लीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं है, यहीं पे बैठे बैठे A to Z अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये तो डॉक्यूमेंटेशन, फेस सेकेंड का एडमिट कार्ड सेफ रखिएगा, फेस फर्स्ट का एडमिट कार्ड सेफ आपने रखा होगा, अप्लीकेशन फॉर्म आपको कलर पर निकलवाना होगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड वगैरह आपके पास होगा, अच्छी बात है। चलो ये चीज़ें हो गई सब, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, जैसे एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे अभी सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपका PFT होगा, PFT में रनिंग होगा, PFT में क्या होगा, रनिंग होगा, 6.5 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी, 6.5 मिनट में 1600 मीटर। कानपुर सेंटर आ रहे हो, बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत अच्छा सेंटर, इतना बड़ा सा चौड़ा सा रोड है, हाँ, उसके बाद दिल्ली, वैसे दिल्ली आई थिंक सेंटर ही नहीं था, दिल्ली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बैंगलोर सेंटर भी बढ़िया, ठीक है, बैंगलोर जिनका भी गया है, जोधपुर भी बढ़िया है, हर एक सेंटर बढ़िया है, स्पेशली मैंने कानपुर और दिल्ली पे दौड़ा है, दिल्ली थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा, कानपुर बहुत ईजी है, ठीक है। और एक बात रुकिएगा, सॉरी क्या लग गया, चलो ठीक है, कानपुर कहीं पर भी आ रहे हो आपका, कहीं पर भी है, हर एक सेंटर ईजी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको रनिंग क्लियर करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, यू शुड फोकस ऑन योर रनिंग ब्रदर, डेफिनेटली आप कर पाओगे, अगर रनिंग कर लोगे ना तो समझ लीजिएगा उस 30% का आपने 20% क्लियर कर लिया, क्योंकि इतने दिनों से मैं बोलता रहा हूँ, इतना कोई वैल्यू देता नहीं, मुझे पता है। तो देखो होगा क्या, रनिंग पढ़ाई 10 दिनों में आप पूरी फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ये जो पाँव है ना भाई, 10 दिनों में नहीं बिल्कुल मिल्खा सिंह बनने वाले, 10 दिनों में मिल्खा सिंह नहीं बनने वाले, 6.5 मिनट ट्रेनिंग लाना, मैंने जब नॉर्मल देखा है, जब 250-300 लड़के जब 2-2 महीने तैयारी करके दौड़े हैं भाई, उसमें 70-80 लड़के फेल हो गए, इसी कानपुर सेंटर की बात बता रहे हैं, अभी जहाँ बैठे हैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है, और भाई मतलब उसमें कैंडिडेट फेल हो गए, फिर तो ये बहुत वैसी बात है, फिर तो बहुत वैसी बात है, सारे के सारे कैंडिडेट, समझ रहे हो, तो टेंशन मत लो, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी रनिंग होनी चाहिए, रनिंग क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज आपका क्या होगा, रनिंग के बाद आपका PFT पुशअप्स वगैरह कराया जाता है, जब रनिंग क्लियर कर लोगे तो पुशअप कर लोगे, 10 पुशअप्स करने होता है, थोड़ा सा होल्ड करने की प्रैक्टिस करना, मैं आपको अगले 1 से 2 दिन में उसकी भी प्रैक्टिस करके बताऊँ, बिल्कुल सेम टू सेम करके बता देंगे, ठीक है। अब बाकी और क्या बता सकते हैं, ठीक है, स्क्वाट्स करके बता देंगे, चिन अप्स नहीं होता, चिन अप्स जो होता है ऐसे बिल्कुल ऐसे करके, वो नहीं होते एयरफोर्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आपका PFT क्लियर होगा, सब आपके लिए ताली बजाएंगे। पहला नंबर, एक टास्क आपका कंप्लीट, दूसरा आपका 81 टेस्ट, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 30 मिनट मिलेंगे, 45 क्वेश्चन करने होंगे, उसमें
ऑफलाइन होगा बोथ लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपकी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर काम खत्म हो जाएगा। स्मॉल रिक्वेस्ट, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनको भी ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो भाई क्या होगा कि एक तरफ मतलब जैसे कि आपको SRT 30 मिनट में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और वो लोग एक बात कहते हैं कि आपको और SRT में कोई पासिंग का क्राइटेरिया नहीं होता, बस आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। चैनल पे 20-25 वीडियो SRT के अवेलेबल हैं वैसे, ठीक है, तो आप देख सकते हो। वैसा GD अपने चैनल पे फेस सेकंड एग्जाम रिलेटेड बहुत वीडियोज़ हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो GD की, SRT की, PFT की, रनिंग की वीडियोज़ भी सेंटर की मिल जाएगी। आप ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से वो चीज़ सर्च करिए, डेफिनेटली थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, अप एंड डाउन मिल जाएगी। अब 30 मिनट में 45 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी एक दो क्वेश्चन बता दूंगा भाई। वही क्वेश्चन आएंगे, एक स्क्वायर वाला आएगा 9, 16, 25, 36, देख लीजिएगा, पक्का आएगा, लिख के ले लीजिए। मतलब आता है हमेशा, पिछले 3 बार लगातार मैंने 3 बार भाई ये क्वेश्चन आया हमेशा। और फर्स्ट टाइम का, सेकंड टाइम जब मैंने दिया तो कॉन्फिडेंस था, दोबारा मैंने हमेशा कैंडिडेट को बोला है, तो वो भी लाइक रिव्यू टाइप में आएगी। हाँ, उसके बाद आपका एक वो आता है छोटा लंबा क्वेश्चन आता है, ये राम तुम भाई, आपका भाई आपसे बड़ा है और आपके छोटे भाई आपसे छोटे हैं, मतलब छोटा बड़ा, सीता गीता मोहन सीता, इनमें सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला क्वेश्चन आता है। एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, 7 से 8 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का नाम मैंडेटरी होता है। थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाता है, आपको वहाँ पे बुला लिया जाता है, चेस्ट नंबर आपका आया होगा ना, फिर से अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया ना, उसी के बेसिस पे बुलाया जाएगा। इधर जिन्हों पास हुए तो आओ भाई अंदर, जो फेल हुए चलो जाओ भाई बाहर, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे के मतलब सांत्वना दे के, कोई बात नहीं, ठीक, ये होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क GD ग्रुप डिस्कशन। बहुतों को ये लगता है कि भैया GD होगा ही नहीं, आपको गलत लगता है। एटीट्यूड टेस्ट इसी को बोला जाता है, अडेप्टबिलिटी टेस्ट सेकेंड, ये ठीक ग्रुप डिस्कशन होता है, इसकी भी कोई टेंशन लेने, डरो मत यार। अब देखो 10 दिनों में बहुत बोल रहे हैं अंशु भैया ये अकेडमी ज्वाइन कर लें, वो अकेडमी ज्वाइन कर लें, जो करना हो करो यार। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन कभी नहीं होगा कि अकेडमी ज्वाइन करो, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ मुझसे पढ़ो, आप सेल्फ पढ़ो भाई, यूट्यूब गूगल से पढ़ लो, गूगल से जाके 10 दिन में तुम बताओ क्या कर लोगे भाई। एक मैं आपको ये वो बचपन में चौपतियाँ नहीं आती थी कि 10 दिनों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना से 30 दिनों में इंग्लिश, उससे तो आदमी आज तक सीख नहीं पाया, ठीक है, और तुम 10 दिन में जाके क्या सीख लोगे। खुद को इंट्रोडक्शन अच्छा सा तैयार करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्रुप डिस्कशन पे फोकस करना है। ग्रुप डिस्कशन के लिए टेंशन ना लो, मैंने पहले प्रीवियस टॉपिक्स कराए हैं, आप उनसे देखो। ये नहीं कि मैं किसी को बता रहा हूँ कि अकेडमी ना ज्वाइन, भाई खूब ज्वाइन करो। मेरा कहने का मतलब ये उन भाइयों के लिए जो लाइक मतलब क्या बोलते हैं, भूल गया इंग्लिश का वर्ड बोलना था मुझे, जो लाइक मतलब उधर तक उतनी फीस नहीं लाइक अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ अफोर्ड बोलना था उनके लिए कि भाई कहीं पे जाओ फीस दो 10 दिनों के लिए, 10 दिन में क्या कर सकते हो भाई, 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 टॉपिक कर पाओगे, वो आप गूगल की मदद से खुद भी कर सकते हो। क्योंकि बोलना आपको घर पे शीशे के सामने, वो शीशा सामने दिखाई दे रहा है, उस पे आपको खड़े होकर, छोटा सा आपके पास बड़ा वाला होगा, मम्मी वाला शीशा, वो बड़ा सा शीशा ऐसा नहीं होता, उस वाले शीशे पे आपको बस खड़े होकर उस टॉपिक के बारे में बोलना, इंट्रोडक्शन आप अपना इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा कर लो, ठीक है टॉपिक। और बहुत ये भी बोल रहे हैं भैया कागज नहीं पढ़ने को मिले, अथवा ना मिले, हमेशा मिलता रहा है, इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आपको बस उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ ना, आप 2-4-5 लाइनें हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ो। मैंने कभी भी रामायण आपको नहीं लिख के बताई, तभी भी जितने भी टॉपिक्स कराए ना आज तक यूट्यूब पर, कभी भी आपको रामायण नहीं बताई, हमेशा फोकस किया है शॉर्ट में आपको लिखा जाए, शॉर्ट में चीज़ों को बताया जाए, जिससे आपको वो चीज़ें इनफ हो जाए आपके लिए। 2-4-5 लाइनें आप GD में बोल दो कि भाई साहब, इतने लड़के रनिंग में ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया होगा एयरफोर्स का, क्या मैं इतने लोगों को पास करना है, इतने लोगों को पास करना है, और जब रनिंग में इतने फेल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को GD में सेलेक्ट करेंगे। और जिनका जितना लेट GD है उनका उतना ही अच्छा होगा। GD कैसे क्या होता है वो मैं बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए। चैनल पर वैसे बहुत वीडियोज अवेलेबल हैं GD से रिलेटेड, आप उनको जाके देख सकते हो, सर्च कर सकते हो चैनल के नाम से, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से आपका GD होगा। GD में आपका मतलब ऐसे ग्रुप में बिठा दिया जाएगा, सामने सर होंगे और आपसे कुछ पूछेंगे, मतलब GD के आप इंट्रोडक्शन दोगे, टॉपिक के बारे में डिस्कस करोगे, उसका रिजल्ट आएगा, मेडिकल डेट मिल जाएगी, अगले 2 से 3 दिन बाद आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। कोई क्वेरी, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो चीज़ें समझ में आ गई, बाकी कोई क्वेरी कोई डाउट ये होगा आपका। फिर उसके बाद आपको मेडिकल की डेट के अगले 2-4 दिनों में आपका मेडिकल एग्जाम होना है, उसके लिए भी आप सभी को रेडा। बहुत ऐसे मुझे पर्सनल में बोल रहे हैं कॉल करके कल से, अंश भैया लेज़र कराना है, बता दो कब कराएं। भाई क्या करोगे आप, करा के अभी तक सोते रहे? पहले मैंने बोला था कि रनिंग करिए आप, लेकिन आपने स्टार्ट नहीं की। अब 4 दिनों में बोले हमसे पूछते हैं भाई, बहुत मैसेजेस कल से आ रहे पर्सनल में व्हाट्सएप पे, हाँ कि भाई रनिंग कैसे करें, भाई अपने पैर तो थोड़ी लगा सकते हैं आपके, आपको पहले बोलते थे मजाक समझते थे,
मानते ही नहीं थे कि हाँ ऐसा भाई वो का, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। जो कर रहे थे वो करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी टेंशन मत लो, आप सभी को बताते हैं कि आप आराम से तैयारी करिएगा, ठीक है। और जीडी के वीडियोस आएंगे रेगुलर, 1 से 2 मैं करंट टॉपिक्स करा दूंगा। प्रीवियस टॉपिक आप यूट्यूब वीडियोज़ से जाके देख लीजिए, और जो नहीं करा पाएंगे उसकी मैं आपको PDFs प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। यही चीज़ें थी, यही होता है आपका, उसी दिन मेडिकल डेट मिल जाता है और फिर मेडिकल एग्ज़ाम दे जाओ। तो मेडिकल कैसे क्या होता है वो भी बताएंगे। बाकी ध्यान रखिए खुद का, और कोई क्वेरी है तो कमेंट में आस कर लीजिएगा। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।